नमस्कार, अन्नू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ लिया है, बीन्स, पनीर, टमाटर, प्याज, मटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, हरा धनिया पत्ता। सारी सब्जियों को हमने काट कर धो लिया है। लाल मिर्च 5-6 कलियाँ, लहसुन 1 इंच अदरक, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, तेज पत्ते, जीरा, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा और हल्दी पाउडर। तेल गरम हो गया है, अब इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम डीप फ्राई कर लेंगे। आलू हमारा लगभग पक चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे इसलिए कि नहीं तो क्रंची नहीं होगा, ज़्यादा पक जाएगा तो सब्जी में टूटने लगेगा तो मिक्स वेजिटेबल में अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसमें फूल गोभी भी डाल देंगे, फूल गोभी को भी हम फ्राई कर लेंगे। अपने हिसाब से बड़ा या छोटा पीसेस कर सकते हैं सारी सब्जियों का। अब यहाँ पर कुछ साबुत मसाले लिए, इसे पीस लेंगे। पे हमने मसाला पीस लिया है, फूल गोभी भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे गाजर, गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। आपको जो सब्जी पसंद है वो सब्जी डालकर मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट बिना फ्राई किए हुए सब्जी बना सकते हैं मिक्स वेजिटेबल। हम यहाँ पर फ्राई करके मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं। गाजर भी फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, बीन्स, मटर। मटर हमने फ्रोजन नहीं लिया है, फ्रेश मटर लिया है। इसे भी 1 से 2 मिनट पकाएंगे, भुनेंगे, इसलिए कि ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा भुन जाएगा, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसे भी निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे पनीर, हल्का सुनहरा कलर आ जाएगा, इसे दोनों तरफ से पलट कर फ्राई कर लेंगे या इसे निकाल लेंगे। हल्का सुनहरा कलर हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। सारी सब्जी हमने फ्राई कर लिया है, देखने में बहुत खूबसूरत दिख रही है। अब इसमें तेल में डालेंगे तेज पत्ते और 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटकने लगा है। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को 2 से 3 मिनट भून लेंगे, गैस की मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गया है, अब इसमें डालेंगे मसाला जो हमने पीस कर तैयार किया है। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत सुंदर आता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसे 5 से 6 मिनट मसाले को पकाएंगे, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और मसाले के ऊपर तेल तैरने ना लगे। इसे बराबर से चलाते हुए भूनेंगे मसाले को, स्वाद अनुसार नमक, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स वेजिटेबल सबको लगभग में सभी को पसंद आता है, सर्दियों के दिन में तो घर घर में बनता है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है भुनकर, अब इसमें जो फ्राई करके रखे हैं सब्जी सारी डाल लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 4 से 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। देखने में कितना सुंदर कलर आया हुआ है मिक्स वेजिटेबल का। सब्जी भी सारी अलग अलग दिख रही, बिल्कुल टूटा नहीं है। मिक्स वेजिटेबल बनाने में थोड़ा तेल तो लगता है लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बनकर तैयार हो गया है, हरा धनिया के गार्निश कर लेंगे।
आप इसे पुलाव के साथ, तंदूरी रोटी या पूड़ी या पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, खाएं, सबको खिलाएं, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।